स्वागत करना चाहूंगा मंच पर पहली शायरा हसीना मलिक जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। काम पे लग जाते हैं। आखिर मुलाकात हो ही गया तुमसे। सॉरी मैडम। तुमको क्या लगा तुम इतना उत्पात मचाओगे, हजार लोगों को चूरन लगाओगे, पुलिस वालों को चैलेंज दोगे और सॉरी बोलोगे तो बच जाओगे, सब ठीक हो जाएगा? मैडम आपको शायद गलत है। हेलमेट उतारो अपना। लेकिन मैडम। हेलमेट उतारो। ओके। आप तो साइबर क्राइम ब्रांच में थे ना? यस ऑफ कोर्स। अभिषेक सर ने मुझे आप लोगों की हेल्प के लिए भेजा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें बिल्लू चंपत जी का। आदाब। इरशाद इरशाद। क्या बोले आप? शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। अर्ज किया है। वाह। है किया अर्ज। ना इश्क की परवाह करे ना हुस्न की परवाह करे। वाह क्या बात है, ना हुस्न की परवाह करे ना इश्क की परवाह करे। वाह। हम बोले हाँ। ना इश्क की परवाह करे ना हुस्न की परवाह करे, यात्रियों अपने सामान की स्वयं ही रक्षा करे। वाह क्या बात है, क्या गहराई है। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। वाह वाह बहुत खूब जनाब, बहुत बढ़िया। संतोष जब भी कोई बात छुपाती है तो उसके पेट में दर्द होता है, कहीं वो हमारे यहाँ आने का मकसद ना उगल दे। अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। हो रहा है पेट में दर्द, अब सहा नहीं जाता, बिना सच कहे अब रहा नहीं जाता। कहती हूँ सच, सुन लो सब। आए हैं किसी को ढूंढने, मगर ये शायरी वायरी मुझसे और कहा नहीं जाता। अब वक्त आ गया है उस मुकाबले का जिसका इंतजार सभी को था। तो पेश है आपके सामने लखनऊ के युवा शायर, आप सबके चाहते। स्वागत करिए रोशन जी का। और इनके सामने आ रही हैं हसीना मलिक जी, इनके मुकाबले के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अर्ज किया है। शौक नहीं है हमें मंजिलों का, शौक नहीं है हमें मंजिलों का। मंजिल तक किसे जाना है, हम तो खुद ही एक मंजिल हैं। अब जिसे आना है हम तक आना है। कि कभी कोई ऐसी सुदाई शाम आए कि पड़े उनको भी हमारी जरूरत, हम भी उनके कभी किसी काम आए। इसकी आवाज बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है। तो
घुमा तो है रास्तों को भी मंजिल होने का, लेकिन ये बेकार की बातें कौन मानता है? किसका रास्ता कहाँ को जाता है ये हर कोई अच्छे से जानता है। रास्तों की बेपरवाही में आने वाला जिंदगी भर रास्ते की ही खाक छानता है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बहुत। हमें यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि वो वहाँ पर आया नहीं है। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। यस सर। खाक कर देते हैं वो रास्तों को ही जो हमारे रास्ते में आते हैं। हम वो जिगर वाले हैं जो आग को भी समंदर की तरह पी जाते हैं। बहुत देखे हैं ऐसे मुगालते में जीने वाले, तपिश सह नहीं पाते चिंगारी भर की ये आग का समंदर पीने वाले। अभी वो कह रहे हैं जिनकी कोई जद ना उलझिए हमसे, हमारी कोई हद। दिखा भी दीजिए हद अपनी, हम भी तो देखें इस आग में कितनी तपिश है। है अंगारे भी इस आग में या बस नाम की खलिश है। जल्दी से फोन करो और एक टीम अमीनाबाद के लिए निकालो। अभी अभी हम मुशायरे में हमें एक क्लोन नंबर ट्रेस हुआ है। क्लोन नंबर? यस, एक ही नंबर के दो फोन, एक अमीनाबाद बाजार में और दूसरा मुशायरे में। एक टीम हमारी अमीनाबाद बाजार के लिए निकल चुकी है, आप वहां नजर बनाए रखिए। इन दोनों में से हमारा एक सस्पेक्ट रेड स्पाइडर हो सकता है। आपको जैसे कोई अपडेट मिले हमें बताइए। ओके सर। ना छेड़िए इस आग को, ये आग सब कुछ सुलगा देगी। अभी तो देखिए इस आग की महज एक झलक, ज्वाला देखेंगी तो पूरी झुलसा देगी। वो हवा हाथ नहीं आऊंगा, हाथ आके भी बेआवाज मुट्ठी से निकल जाऊंगा। वैसे शेरो शायरी का शौक हमें भी है, मिलिए फिर से कभी, कुछ आपका सुनेंगे कुछ अपना सुनाएंगे। आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की है, जलने को तैयार हैं हम। तय तुम्हें करना है कि तुम में इतना है भी दम। अब भाग कर कहां जाओगे मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारी असलियत जान गए हैं हम। Thank you.
मैडम सर, हमने आपको बोला था कि अगर ये लड़का हमारे हाथ आएगा तो इसको हम अपने तरीका से निपटेंगे। घमंड भरा है ना इसके अंदर, इसको हम बताएंगे कि सबसे ज्यादा इगोइस्टिक इस पूरी दुनिया में ना हम हैं, और जो चूरन लगाएगा हमें तो उसको अपना बकाल हम कैसे दिखाएंगे। करिश्मा सिंह रिलैक्स। मैडम सर प्लीज, आपका इस बार जज्बात काम नहीं आएगा। जज्बात? आपने नुक्ता नहीं लगाया। ऑफिसर्स, यही है आपका मिस्टर छू मंत्र, ले जाइए इसे। सॉरी आप पर डाउट करने के लिए, एंड थैंक यू, आपका और आपकी टीम की वजह से ये पकड़ा गया। आपने और आपकी टीम ने जो कहा वो करके दिखाया। सर हम सब बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और तुम, तजुर्बा कहता है हमारा कि कीमत कभी टैलेंट की नहीं, उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने वाले की होती है। तुमने अपना इतना अच्छा टैलेंट अगर देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया होता तो बात कुछ और ही होती। खैर, तुम्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है ना, तो जाने से पहले एक और सुनते जाओ। आंधिया अक्सर उड़ा ले जाती है वो दरख्त जो सीना तान कर खड़े रहते हैं, डालियां वही बच जाती हैं जो लचीली होती हैं। हमेशा की तरह महिला पुलिस थाने का एक और खास दिन और एक और खास वजह के साथ मैं सनी चड्डा आप सबके सामने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि SHO हसीना मलिक ने ना ही सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड का इम्पॉसिबल दिखने वाला केस सॉल्व करके दिखाया, बल्कि युवा मुशायरा मुकाबले में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया। तो आइए इनसे पूछते हैं कि उनका क्या विचार है। मैडम सर, आप लोग, ये लैपटॉप भी आपको लौटाना था? नहीं नहीं, ये लैपटॉप तुम रखो, पढ़ाई में काम आएगा। मैडम सर बहुत कंफ्यूज करता है हमें आपका ये जज्बातों वाला आइडियोलॉजी। मतलब एक तरफ आप उस ठग को शायरी सुनाकर मुशियारा बनाकर वाया जनकपुर होकर आकर पकड़ती है, दूसरा तरफ आप जरूरतमंद का मदद कर कर दिल भी जीत लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हम बस अपना काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और एक ड्यूटी आप सबको भी निभानी है। होशियार रहना होगा इस तरह के ऑनलाइन ठगों से। जब भी आप किसी वेबसाइट से कुछ भी खरीदें तो पहले उस वेबसाइट की प्रामाणिकता जांच लें। सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहे हैं या कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए। और फिर भी ये सब के बावजूद अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो प्लीज इग्नोर मत करिए, तुरंत साइबर सेल को इन्फॉर्म करिए। छोटा हो या बड़ा, फ्रॉड फ्रॉड होता है, और हो सकता है आपके एक कॉल करने से बहुत बड़ा फ्रॉड होने से रुक जाए। हम हैं यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना होगा, तभी हम साथ मिलकर इस इंटरनेट फ्रॉड के धंधे को रोक पाएंगे। मैडम सर, ये तो हुई केस की बात, मुशायरा जीतकर आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी आप? ऐसा कि बदलाव वहीं पे है मुमकिन जहाँ इंसानियत का एहसास है। जीत क्यों ना ले हर मंजिल जब सच की ताकत हमारे साथ है। ना जाएगा यहाँ से कोई ना उम्मीद होकर, क्योंकि यहाँ कुछ बात है। मैडम, हमारी तरफ से आपको और आपकी टीम को। थाना में काम है ही नहीं, तो आज सोचने क्यों ना थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। मैडम, टाइम पास तो मतलब होना ही चाहिए, है ना? सेम टू सेम मैडम, हम भी एकदम ही सोच रहे हैं। हाँ। पुष्पा जी, हमारे पास वक्त नहीं है ऐसा जाया करने के लिए, आप कीजिए। हाँ हाँ, पूरा थाना तो आप ही संभालती है ना पुष्पा जी? देख नहीं रही है, काम कर रहे हैं हम। भाई देखो, हमारे पुलिस एग्जाम तो हो गए हैं कैंसिल, तो हमने इतना पढ़ाई किया है, जितना जीके गेन किया है वो अभी फिलहाल तो काम नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान है वो जाया नहीं जाता है, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों का जीके कैसा है। अब कल को तुम पुलिस परीक्षा में बैठोगे तो तुम क्या लिखोगे अभी हमको पता होना चाहिए ना भैया,
तो इससे पूछिए ना, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर कोई जानता है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अगले नुक्कड़ तक हर किसी को पता है कि कितना शार्प माइंड है मेरा। एकदम पते की बात की है। अब तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान है तो तुम बांटो ना इसको। ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। हाँ, ठीक है, पूछिए जो पूछना है। तो पहला सवाल ये है, प्रश्न ये है कि भारत रत्न देने का शुरुआत कौन से सन में हुआ था? ऑप्शन है ए 1951, बी 1954, सी 1991। और डी क्या है मैडम? नहीं, बच्चन साहब केबीसी में कहता था क्या भाई, कैसा आएगी चौथा? तीन काफी है। मैडम आप भी ना, मेरा बॉर्न 1997 का है तो वो 1991, 1947 उसमें क्या हुआ मुझे कैसे पता चलेगा? मेरी बॉर्न होने के बाद का सवाल पूछिए, देखिए तुरंत जवाब देती हूँ मैं। करेक्ट बोली है संतु जी, बिल्कुल सही बोली। अब जो आदमी 1997 में पैदा ही लिया है उसको क्या पता चले कब हुआ था भारत रत्न देने का शुरुआत? 54 क्या? 1954 में भारत रत्न देने का शुरुआत हुआ है। अमा सही जवाब। अमा तुमको कैसे मालूम बे? कैसे मालूम मतलब? आपके जैसे मेहनत किया, पढ़ाई किया, पुलिस का एग्जाम दिया है। तुमने पुलिस का एग्जाम दिया था बिल्ले? अब टाइम मिल गया आपको पुष्पा जी? नहीं है, वो तो कान में बात पड़ गई इसलिए जवाब दे रही। पूछा पास हुए थे कि फेल? हाँ यस फेल पास हुआ हूँ। पास? तो चोर कैसे बने? चोर कैसे बने मतलब? अरे हमारा खानदानी धंधा है, चोरी बनूंगा मैं? अगर चोर बनना था तो फिर परीक्षा क्यों दी? कर रहे हमको सब तुम लोग बात कर रहे ना इधर, तो हमको जरा परेशानी हो रही है इसलिए। पुलिस का तरीका जानने के लिए, पुलिस कैसे सोचती है उनसे बचने के लिए मैंने एग्जाम दिया, समझा? वो कहाँ थे? क्या वो? हाँ वो तकिए के नीचे वो किताब है। अरे चाबी, ये चाबी है अपने सपने पूरे करने की चाबी, तमन्नाओं की चाबी, हसरतों की चाबी। वो क्या है? आपकी चाह में शिद्दत होना तो चाह पूरी हो जाती है। देखो आप ऐसा सोचती हो ना कि आप SHO बन जाओगी, ऐसा मत सोचो, कि ऐसा सोचो कि आप SHO बन गई हो, आपका प्रमोशन हो गया है, आपको CR लेटर मिल गया है, आपको यूनिफॉर्म मिल गई है SHO की। सोचो सोचो। अमा बिल्ला तुम सच बोल रहे हो? सच पक्का सलाखों की कसम। दिखाओ, पढ़कर देते। पढ़कर मैडम? मैडम पढ़कर मान लो। अच्छा ठीक है रखो, लेकिन मेरा भी एक काम करो ना, यहाँ ना बहुत गर्मी होती है तो टेबल फैन मिल जाए ना। वो कहाँ से लाए हम? कहाँ से मतलब, सामने ही है। चाह होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए। वो हाँ हाँ पक्का हाँ। मैडम जी मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। देखिए देखिए आप बैठिए बैठिए और शांति से बताइए क्या हुआ। बैठिए। मैडम जी मेरा बेटा कहीं चला गया, बस ये खत छोड़ गया। हमें तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, किसी और से पढ़वाया तो पता चला कि वो कहीं निकल गया, फोन भी नहीं उठा रहा। अभी इस उम्र में यही सब देखना बाकी रह गया था। जी हमको बताइए, घर में कुछ तनाव था, आपस में कुछ अनबन हुई थी? वैसा कुछ नहीं था, बस कुछ दिनों से खोया खोया रहने लगा था,
और ऊपर से इस महामारी ने उससे उसका रोजगार भी छीन लिया। सर पे कर्ज का बोझ, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले मेरा बेटा। ये आप परेशान मत होइए, कोई फोटो वोटो तस्वीर वगैरह है आपके पास? हाँ, ये इकबाल, हम क्या बात कर रहे हो? अम्मा इकबाल दिखाना। मैडम क्या है लेटर में? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।